अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग देखते हैं और इसके प्रोसेसेस भी देखते हैं। ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक्चुअली ये सारी कपड़ों के रिलेटेड है ना। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि बेस करती है फाइबर के ऊपर। आपका जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है, जो फैब्रिकेशन होती है, ठीक है, उसमें सारी चीजें इस्तेमाल होती है। तो आप डिफरेंट कॉटन को लेके इंडस्ट्री में जाके अप्लाई करके कॉटन बनाने से फाइबर स्टार्ट से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर एंड तक जो भी सारा काम होता है वो सारा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉटन होता है उसको प्रोसेस करते हैं। उसके डिफरेंट 6 स्टेजेस प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन के 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आप प्रेपरेटरी प्रोसेस शुरू में उसको मतलब आपको शुरू हल्का सा तैयार करते हैं, फिर उसको स्पिन करते हैं, ठीक है, फिर उसको वेव करते हैं, फिर उसको फिनिश करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग से पहले ये 5 प्रोसेस पहले ही होते हैं। पहले आप लगाना होता है, फिर उसको तैयार करना होता है, फिर उसको स्पिन करना होता है, उसको वेव किया जाता है, उसको फिनिश करने के बाद मार्केट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ये 6 प्रोसेस है इसमें मार्केट, क्योंकि इसको हमने पहले साफ करके प्योरीफाई करके मिक्सिंग या ब्लेंडिंग या उसको क्लियर करना पड़ता है हमें सारे प्रोसेस को, और फिर उसको हमने चेक करना होता है, ठीक है। चेक करने के बाद हमने उसको मार्केट के अंदर उसके पैकिंग करनी पड़ती है, उसके मेजरमेंट्स लेनी पड़ती है, उसके जो इश्यूज होते हैं वो देखने पड़ते हैं, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ ऑपरेट करना पड़ता है, हमें अपने सोर्सेज देखने पड़ते हैं, ठीक है। उसको ब्लीच करना होता है कई दफा, ठीक है, ब्लीच करते हैं, और इसके अलावा हम उसको डाइंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कलर उसके ऊपर लगाया जाता है, प्रिंट किया जाता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रिंट के अलावा उसको जूट हेम्प इस्तेमाल किए जाते हैं, सिल्क इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। डबलिंग एंड ट्विस्टिंग की जाती है, कॉटन को स्ट्रेच किया जाता है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज देखे जाते हैं, ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे मेन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के चीजें थे जो आपसे जल्दी जल्दी मैंने शेयर कर ली। अगर आपने करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लें प्लीज।